नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के बारे में। तो जी हां दोस्तों, एमका को लेके जैसा कि हम इससे पहले बता चुके हैं कि एमका के दो वेरिएंट होने जा रहे हैं। आपका पहला वेरिएंट होगा मार्क 1 और आपका जो दूसरा वेरिएंट होगा वो मार्क 2 होगा। तो जो आपका मार्क 1 वेरिएंट है वो जीई द्वारा निर्मित F414 पे रन करने जा रहा है। और इसी प्रकार के 8 इंजन DRDO ऑलरेडी जीई से ले चुकी है, जो कि DRDO के GTRE फैसिलिटी में अभी अंडर टेस्टिंग है। तो इसको लेके बहुत सारे सवाल थे कि क्या जीई के 414 इंजन यूज होने के बाद जो एमका के मार्क 1 वेरिएंट होंगे वो सुपर क्रूज कर पाएंगे या नहीं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि सुपर क्रूज क्या एबिलिटी है और क्या एमका इसे परफॉर्म करने जा रहा है अपने मार्क 1 वेरिएंट के साथ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुपर क्रूज होता क्या है। तो बेसिकली सुपर क्रूज वो एबिलिटी होती है जिसके अंतर्गत कोई भी एयरक्राफ्ट एक सुपरसोनिक स्पीड लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेंटेन करने में सक्षम होता है और अपने फुल वेपन प्लस लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ। और इस दरमियान वो आफ्टर बर्नर का यूज नहीं करता है। और आफ्टर बर्नर का यूज इसलिए नहीं करता है कि जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो उतनी नहीं रहती है। और जो दूसरा मेन नेगेटिव पॉइंट है कि आपके इंजन का जो टेम्परेचर है वो अनस्टेबल रहता है, जो कि आपके दुश्मन के जो भी IRST डिवाइस है उन पे उनको सिग्नेचर देता है अगर आपका टेम्परेचर अनस्टेबल जा रहा है। और बेसिकली किसी भी आफ्टर बर्नर स्टेज के दौरान जो आपका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है वो 1.8 से लेके 2.5 के बीच में वेरी करता है। सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट है जिसने इसको 1.2 में मेंटेन किया था और वो था कॉनकॉर्ड, जिसने अपने आफ्टर बर्निंग फेज में भी जो SFC है उसको 1.2 पे मेंटेन किया था। तो ये जो सुपर क्रूज करने की एबिलिटी है ये मुख्यतः कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है? तो इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर हैं, कुछ को यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा। आपका पहला हो जाता है कि आपके एयरक्राफ्ट के विंग की डिजाइनिंग किस तरह का है, उस पे स्वीप एंगल कितना दिया गया है। दूसरा हो जाता है आपके इंजन का इंटेक किस प्रकार का है, अगर आपने इंटेक को अच्छे से डिजाइन किया है तो आपका जो ओवरऑल रैम ड्रैग है वो रिड्यूस होगा। और तीसरा फैक्टर ये है कि आपने अपने एयरक्राफ्ट को या फिर इंजन को किसी भी सब सोनिक मार्क नंबर पे ऑपरेट करने के लिए किस प्रकार से बनाया है, यानी कि जो आपका इंजन है और उसमें जो फ्यूल इंजेक्टर और फ्लेम होल्डर की पोजीशन है, अगर वो सब सोनिक पे ऑपरेट कर रहा है तो वो कितना स्टेबल है। अगर वो हाईली स्टेबल है तो वो उसको सुपरसोनिक में भी मेंटेन करने में सक्षम होगा। चौथा फैक्टर है आपका प्रेशर रेशियो, जो कि बेसिकली आपके रैम ड्रैग के रिड्यूस होने के बाद अगर आप रैम्प लगा देते हो ताकि आप डाइवर्ट कर पाओ एक्सेसिव रैम एयर प्रेशर को, तो उससे आप प्रेशर रेशियो को भी मेंटेन कर लेते हो। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिन पे आपका जो सुपर क्रूज एबिलिटी है वो किसी भी एयरक्राफ्ट की डिपेंड करती है, अगर आपके पास जो इंजन है वो उतना एफिशिएंट नहीं है तो। और इसका एक एग्जांपल भी है एक बुक में, और इस बुक का नाम है F4 फैंटम पायलट्स फ्लाइट ऑपरेटिंग मैनुअल। और सुपर क्रूज एबिलिटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस F14 टॉमकैट के पायलट ने शेयर किया है, और जिसमें उन्होंने बताया है कि वो एक फ्लाइट ड्यूरेशन के दौरान जब उनका ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट के आसपास था और वो एक सबसोनिक स्पीड पे थे और उनका जो एंगल ऑफ अटैक था वो 30 डिग्री के अराउंड था, और उस दौरान जब उन्होंने अपना पूरा थ्रॉटल खींचा और अपने इंजन को आफ्टर बर्निंग स्टेज में डाला तो जो उनका इंजन था जो F14 में लगा था वो GE द्वारा निर्मित 110 था। तो बेसिकली उस ऑल्टीट्यूड पे अपने विंग को उन्होंने 50 डिग्री रखा था और जो उनका एंगल ऑफ अटैक था वो 30 डिग्री था। तो उस दरमियान इन पैरामीटर के साथ जो ऑल्टीट्यूड था वो 15,000 फीट के आसपास था और वो उस दौरान ऑल्टीट्यूड क्लाइम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर बर्निंग फेज में होने के बाद भी जो उनका फ्लेम था वो काफी स्टेबल था और ये फ्लेम एक व्हाइटिश फ्लेम था जिसको देख के कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एयरक्राफ्ट आफ्टर बर्निंग फेज का इस्तेमाल कर रहा है। और जब ये ऐसा कर रहे थे तो ऐसा करते वक्त वो 25,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे जा चुके थे। इस तरह से उन्होंने तकरीबन 25 से लेकर 30 मिनट तक जो सुपरसोनिक स्पीड है उसको मेंटेन किया अपने आफ्टर बर्निंग एफिशिएंसी के साथ। और इस दरमियान जो ये इंजन था उसने जोन 5 का कैरेक्टर शो किया था अपने आफ्टर बर्निंग फेज में, मतलब इसके अर्गुमेंटर में या फिर आफ्टर बर्नर में जो फ्यूल की बर्निंग थी उनको 5 जोन्स में इस इंजन ने डिपिक किया था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो जी के इंजन्स हैं और स्पेशली तब जब इस तरह के दो इंजन आपके एयरक्राफ्ट में लगे हों तो इन इंजन्स को और इनके अर्गुमेंटर में लगे इंजेक्टर्स और फ्लेम होल्डर को परफेक्टली डिजाइन किया गया है एक लंबी फ्लाइट ड्यूरेशन आफ्टर बर्नर एफिशिएंसी के साथ मेंटेन करने में। तो आइए चलते हैं जी के जो भी इंजन्स हैं उनके आफ्टर बर्नर फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इसके अंदर जो फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रेशराइजिंग वॉल्व के द्वारा 4 सेपरेट सेक्शन में होता है। आपका जो पहला सेक्शन है वो है आपका प्राइमरी एनुलस, दूसरा है प्राइमरी कोर, तीसरा है सेकेंडरी एनुलस और आपका चौथा है सेकेंडरी कोर। तो ये 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं प्रेशराइजिंग वॉल्व से, जैसा कि आप अभी इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे। और ये चारों एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे होते हैं और इन चारों मैनिफोल्ड्स में तकरीबन 21 मल्टी जेट आफ्टर बर्नर फ्यूल नोजल्स दिए गए होते हैं। तो आप 4 को 21 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये सारे 21
मल्टीजेट नोजल्स जो कि इन चारों मैनिफोल्ड्स में दिए गए हैं, ये सभी नोजल्स एक दूसरे से इक्वली डिस्टेंस पे होते हैं जो कि हेल्प करता है यूनिफॉर्म फ्लेम को मेंटेन करने में। तो जब इस इंजन ने जोन 5 को पकड़ा फुल आफ्टर बर्निंग थ्रॉटल पे, तब क्या हुआ, जब आपने आफ्टर बर्निंग फ्यूल के थ्रॉटल को फुल कर दिया है तो जो फ्यूल आपके प्राइमरी जोन में या फिर प्राइमरी सेक्शन में जल रहे हैं तो वो जलते हुए सेकेंडरी तक पहुंच गए और वहां पे सेकेंडरी में एडिशनल फ्यूल मिल जाने की वजह से जो बचे कुछ ऑक्सीजन प्राइमरी फ्यूल का होता है उसको सेकेंडरी फ्यूल में और सेकेंडरी कोर में यूटिलाइज कर लिया जाता है और जो सेकेंडरी मैनिफोल्ड का फ्लेम है वो कुछ दूर और ट्रेवल करता है और फिर जाके वो नोजल में एक्सपेंड होता है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजों को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि इस इंजन की जो डिजाइनिंग है वो स्पेशली इस तरह से की गई है कि ये अपने फ्लेम ज्योमेट्री को सबसोनिक फ्लाइट के दौरान मेंटेन करे और उसी मेंटेनेंस के दौरान ये कब सुपरसोनिक में पहुंच जाता है उसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। और कुछ इसी प्रकार का एक्सपीरियंस F-14 के पायलट ने बताया था। तो टेक्निकली ये जो इंजन है वो एक सुपर क्रूज एबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं अगर आपके एयरक्राफ्ट के पास एक पर्टिकुलर डिजाइन है, एक ऐसा इंजन इंटेक है जो कि सुपरसोनिक फ्लो को और रैम ड्रैग को रिड्यूस कर पाए। तो यहाँ पे मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा कि मान लो अगर किसी इंजन ने अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को मेंटेन कर लिया है और आपको लग रहा है कि वो अभी सबसोनिक में काफी स्टेबल है और धीरे धीरे वो सुपरसोनिक में पहुंच जाएगा, लेकिन सारा गेम यही खराब होता है कि जैसे ही आप सुपरसोनिक में पहुंचते हो तो आपके इंजन का जो इनलेट है वहां पे सुपरसोनिक एयर आने शुरू हो जाती है और सुपरसोनिक जब एयर आती है तो जो आपने सबसोनिक में मेंटेन किया था प्रेशर रेशियो, वो प्रेशर रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है और जिसके वजह से आप अपनी जो सुपर क्रूज एबिलिटी है वो खो देते हो। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपके इंजन का जो इंटेक है वहाँ पे सुपरसोनिक शॉक वेव को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है और इसीलिए जो इंजन के इंटेक होते हैं वो काफी मायने रखते हैं अगर आपको सुपर क्रूज करना है। तो जिस तरह से एमका को डिजाइन किया गया है, एक सर्पेंटाइन इंजन इंटेक है, एरोडायनेमिकली ट्रांस ड्रैग कम होने जा रहा है, तो आप इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एमका एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे जी द्वारा निर्मित दो F414 के साथ सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा एक लिमिटेड फ्लाइट आर के लिए। तो जो लोग कम्प्लीटली इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर रहे थे तो वो भी चीज सही नहीं है क्योंकि इस चीज को अचीव करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर फैक्टर इन कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर हम आफ्टर बर्नर का यूज करके सुपर क्रूज कर रहे हैं जो भले ही जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको मेंटेन कर रहे हैं तो क्या एग्जॉस्ट पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप इस तरह से देख सकते हो कि मान लो अभी आप एक सबसोनिक स्टेट में हो और सबसोनिक स्टेट में आपकी जो फ्लेम ज्योमेट्री है उसको आपने हाईली मेंटेन किया हुआ है और एक जो प्रेशर रेशियो है टर्बाइन के इनलेट पे और आउटलेट पे उसे भी आपने मेंटेन किया हुआ है। तो प्रॉब्लम तब आती है जब आप सबसोनिक से धीरे धीरे सुपरसोनिक में ट्रांजिशन करना शुरू करते हो। तो इस ट्रांजिशन के दौरान क्या होता है कि आपके इंजन के इनलेट पे सुपरसोनिक एयर आ जाती है और वो आपके प्रेशर रेशियो को डिस्टर्ब करती है और सुपरसोनिक एयर है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने साथ एडिशनल टेम्परेचर लेके आ रही है और ये एडिशनल टेम्परेचर आपके टर्बाइन पे ऑलरेडी मिल रहे टेम्परेचर को और बढ़ा देता है और जिसका परिणाम ये होता है कि आपके नोजल का जो एग्जॉस्ट होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंजन के इनलेट पे शॉक वेव और सुपरसोनिक एयर को डाइवर्ट कर देते हो तो जो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है एग्जॉस्ट पे वो कम हो जाती है। हालांकि इस तरह से इंजन का इस्तेमाल करके सुपर क्रूज करना थोड़ा बहुत रिस्की तो रहता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है, अगर कोई भी एक फैक्टर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आप पकड़े जाओगे और दुश्मन आपको मार गिराएगा, तो इतना रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये था कि आफ्टर बर्नर के साथ सुपर क्रूज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं और आप सुपर क्रूज कर पाते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।